तो आज की वीडियो में अपने पास है वन प्लस का ब्लेट जेड वेस्ट एडिशन वायरलेस एयरफोन्स जो कि एक नेक बैंड है, इस बॉक्स में आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं और इसका रिव्यू जो भी होगा मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी इसको परचेज करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। तो मेरा नाम है रंजन जायसवाल और आप सबका स्वागत है अपना ही चैनल रंजन जीटेक में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस बॉक्स को अनबॉक्स करके इसका रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। तो ये रहा अपना अमेजोन का बॉक्स जो मैं अमेजोन से मंगाया हूँ इसको, और इसको चलते फटाफट अनबॉक्स करते हैं बिना देर किए हुए। तो ये रहा अपना कैंची है जिससे मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो फाइनली मैं इस कवर को कट कर दिया और इसके अंदर से हमारा निकलेगा वन प्लस का ब्लेट जेड बेस एडिशन वायरलेस एयरफोन्स। तो फटाफट इसको हम निकालते हैं अंदर। तो ये रहा अपना वन प्लस का वायरलेस जेड बेस एडिशन जो बोल्ड ब्लैक है, मैंने ब्लैक लिया हूँ। तो अभी ये कैंची का कोई काम नहीं तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो पीछे में कुछ इस तरह यहाँ पे लिखा गया है, बेस्ट बूस्ट है, 17 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ है, उसके अंदर वाटर एंड स्वीट रेसिस्टेंस है, उसके अंदर में चार्जर फॉर 10 मिनट्स इंजॉय फॉर 10 आवर्स, मतलब कि आप 10 मिनट इसको चार्ज करोगे तो आप इसको 10 घंटे तक चला सकते हो। क्लियर एंड स्टेबल कॉल्स मैग्नेटिंग कंट्रोल, मतलब कि जो इसका दो स्पीकर होता है वो दोनों में मैग्नेट होता है, दोनों एक साथ चपक सकता है, मतलब कि चुंबक होता है उसमें। तो फटाफट हम इसको अनबॉक्स करते हैं। जो रैप है इसको मैं हटाता हूँ, प्लास्टिक रैप इसमें दिया गया है जो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ब्रांडेड में ज़्यादा करके ये प्लास्टिक रैप दिया जाता है। मैंने इसका प्लास्टिक रैप जो होता है इसको मैं हटा दिया हूँ, मेरे पास सिंपली ये बॉक्स बच गया। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए सिंपली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो आपको दिख रहा है इसको सिर्फ नीचे के तरफ इसको पुश करना है, इसको नीचे की तरफ पुश करना है, नहीं तो इसको नीचे से पकड़ के थोड़ा सा आ जाएगा, उसके बाद में इसको नीचे से पकड़ के इसको आपको खींच लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साउंड यू कैन फील, मतलब कि आप फील कर सकते हो जो इसका साउंड है। तो हम भी फील करते हैं, कुछ देखते हैं इसमें। तो इधर हम इसको बैक करते हैं तो हमारे पास यहाँ जो इसका मेन यूनिट होता है वो नेक बैंड है, वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हमारे पास एक एक्स्ट्रा बॉक्स मिलता है, इसमें देखते हैं, यहाँ पर भी लिखा है चार्ज फॉर 10 मिनट्स इंजॉय फॉर 10 आवर्स। तो इसको हम इसको भी अनबॉक्स करते हैं। तो सिंपली हम इसको निकालते हैं और इसमें सबसे पहले हमें मिल जाता है एक यूजर मैनुअल जो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक मिल जाता है रेड केबल क्लब का एक कार्ड मिल जाता है जो इसी बॉक्स में मिल जाता है आपको। उसके अलावा हमारे पास एक और पैक है जिसको मैं देखता हूँ इसमें क्या है। तो इसमें आपको मिल जाता है 4 एक्स्ट्रा एयर टिप्स जो अपने कान के हिसाब से, एयर के हिसाब से आप इसको इसमें लगा सकते हैं। एक इसमें मीडियम दिया गया है जो लगाया गया है, बाकी एक स्मॉल है और एक लार्ज है, मतलब कि बड़ा छोटा दोनों इसमें दिया गया है। तो इसको हम साइड कर देते हैं। और इसके साथ हमें एक टाइप सी केबल मिल जाता है जो अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं और इसको भी चार्ज कर सकते हैं, या लैपटॉप कंप्यूटर के साथ इसको आप चार्ज कर सकते हैं आसानी से कहीं भी। तो टाइप सी सब में दिया जाता है, आजकल जितने फ़ोन आ रहे हैं सब में टाइप सी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सही है टाइप सी। बात करते हैं हमारा जो यहाँ पे मेन यूनिट है सबको, यहाँ पे हम साइड करते हैं। तो इसको हम निकालते हैं, इसको जब आप ओपन करोगे तो ये ध्यान देना है यहाँ पे दो टेप लगा हुआ है, इसको हटा देना है, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो मैंने इस टेप को हटा दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे जो इसका पावर कंट्रोल होता है, यहाँ पर एक प्लास्टिक का भी रैप दिया गया, इसको आप हटा सकते हैं आसानी से। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे स्पीकर दिया जाता है, इसमें हमें मैग्नेट दिया जाता है जिसकी मदद से हम इसको दोनों के एक साथ चिपका सकते हैं। और इसको हम जैसे होता है ना कि ये जो मैग्नेट नहीं रहता है तो एक साइड ये इधर जाता है, एक साइड ये इधर जाता है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें दोनों एक साइड आप इसको चिपका के एक साइड आप रख सकते हो। उसके अलावा हमें इसमें मिल जाता है एक वॉल्यूम बटन, उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ
तो वॉल्यूम डाउन बटन दोनों मिल जाता है, उसके बाद में एक इंडिकेटर मिल जाता है इसके साथ, और उसके बाद में एक मल्टी फंक्शन इसका जो बटन मिलता है इसका बहुत सारा यहाँ पे फायदा है, बहुत सारा रोल है। तो ये जो मल्टी फंक्शन बटन है, अगर आप इसको एक बार दबाओगे तो ये प्ले और पॉज होगा, अगर इसको आप दो बार दबाओगे तो ये नेक्स्ट मतलब कि दूसरा सॉन्ग या दूसरा ट्रैक जो भी आप सुन रहे होंगे दूसरा प्ले हो जाएगा। अगर आप इसको तीन बार दबाते हो तो जो आप सॉन्ग सुन रहे हो उसके पीछे वाले में आप जा सकते हो। तो चलते इसको आप फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं और इसका आवाज़ देखते हैं कैसा है, साउंड क्वालिटी जो है इसमें तो लिखा गया है साउंड आप फील कर सकते हो, तो हम भी इसका कुछ फील करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं वन प्लस ब्लेड वायरलेस जेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे सिंपली। उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे 80% इसका बैटरी है, जो लेवल बैटरी है 80% है। तो इसको हम चलते हैं कोई सॉन्ग के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको आवाज़ इसका क्वालिटी जो भी है उसको हम चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्री कॉपीराइट सॉन्ग जो होता है उसको मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, म्यूजिक सॉरी सॉन्ग नहीं म्यूजिक, इसका साउंड टेस्ट है, इसको मैं टेस्ट करता हूँ। अभी तो आवाज़ कम है तो थोड़ा इसको मैं इसका वॉल्यूम है जिसको थोड़ा ऑफ करता हूँ, तो अभी देख सकते हैं इसका आवाज़ जो है वो बाहर तक भी आ रहा है। अगर मैं माइक के सामने लेके जाऊँ तो आपको भी थोड़ा आवाज़ इसका सुनने को मिल जाएगा, तो शायद आपको सुनने को मिल रहा होगा इसका साउंड जो भी है, मतलब कि बाहर तक भी ये सुनाई दे रहा है। तो इसका जो बटन्स दिए गए हैं वॉल्यूम बटन उसका में मल्टी फंक्शन बटन, इसको हम यूज करते हैं और आप देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कितना जल्दी देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसका जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे आपको नहीं पता चल पाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका जो स्पीकर है मैं माइक के सामने लेके जाता हूँ और यहाँ से जो इसका वॉल्यूम डाउन बटन है इसको मैं दबाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से ये काम कर रहा है, बहुत जल्दी काम कर रहा है, मतलब कि क्विक रिस्पॉन्स है। उसके बाद में इसका जो वॉल्यूम अप बटन है इसको मैं दबाता हूँ, तो ये भी देख सकते हैं ये भी बहुत आसानी से काम कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका जो मल्टी फंक्शन बटन है इसको मैं यूज़ करता हूँ। एक बार मैं इसको दबाता हूँ तो ये जो रुक जाएगा और फिर से प्ले हो जाएगा, तो एक बार दबाने पर देख सकते हैं ये सॉन्ग रुक चुका है। उसके बाद मैं फिर दोबारा इसको दबाऊँगा तो ये फिर से प्ले हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसका जो मल्टी फंक्शन बटन इसको मैं दो बार दबाता हूँ, इससे क्या होगा कि जो इसका सॉन्ग है वो आगे चला जाएगा, दूसरे सॉन्ग पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा वीडियो आ गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको हमें बैक करना है, तो ये जो मल्टी फंक्शन बटन है इसको मैं सिंपली तीन बार प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं मैं जो तीन बार प्रेस किया हूँ तो इससे क्या हुआ जो सॉन्ग था वो पिछला सॉन्ग फिर से आ गया है। तो मैं यहाँ पे एक बार दबाता हूँ तो ये सॉन्ग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बताना भूल गया हूँ वन प्लस का ब्रांडिंग जो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो म्यूजिक प्ले बैक टाइम है जो 20 आवर इस पर दिया गया है, ऐसे 17 घंटे के आसपास ये चलेगा, सबका अनुमान यही है और मेरा भी अनुमान यही है। इसको यूज करने के बाद पता चलेगा कि ये कितना देर तक चल रहा है, तो यूज़ करने के बाद फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि ये सच में कितना, क्योंकि मैं अभी इसको अनबॉक्स किया हूँ तो अभी मुझे नहीं पता और नहीं आपको पता चलेगा। तो इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें बताऊंगा कि इसका सच में कितना देर तक ये चलता है और 10 मिनट चार्ज करने पर क्या 10 घंटा सच में चलता है। तो इसका प्राइस की बात करें तो 1799 रुपीज़ यानी कि 1800 के आसपास में मुझे मिला है। अभी जो अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो डील्स चल रहा है उससे मैं लिया हूँ, तो अभी ये 200 ऐसे इसका 2000 के आसपास रेट था जो मुझे अभी मिला है 1800 के आसपास में। अगर आप भी इसको परचेज करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप आसानी से वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। और ये अनबॉक्सिंग जो रिव्यू वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।